प्रभु दाताओं दातार, प्रभु दाताओं दातार, परे चाचक एक सरना मिला दान संतुरे जे लग भौज भौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै देहो दर्श मन चाओ भगति एह मन ठहरावै बड़े ओचराग अंध्यार मह सब काले उधरी एक नाम तन प्रगट सकल हर भवन मह जन नानक गुरु पार ब्रह्म प्रगट सकल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म सुख टल गुर से अंस सहज सुपाय दर्शन परसया गुक जन्म मरण दुख जाय दर्शन परसया गुक जन्म मरण दुख वाहिगुरु जी गौड़ी महला पंजवा हर पेखन कौ सिमरत मानु मेरा आस प्यासी चितवा दिन रैनी है कोई संत मिलावै नेरा हर पेखन कौ सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवा दिन रैनी है कोई संत मिलावै नेरा रहाओ सेवा कराओ दास दर्शन की अनिक भांति किस करहुं निहोरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्शे सबोई थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा आनंद सुख भेटत हरि नान जन्म कृतार्थ सफल सवेरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा आनंद सुख भेट तुहारी नानक जन्म कृतार्थ सफल सवेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु सिमरत मन मेरा सिमरत मन मेरा सिमरत मन हरि पे खन को हरि पे खन को हरे हरि पे खन को हरि पे खन को सिमरत मन मेरा सिमरत मन मेरा सिमरत मन आस प्यासी चितवा दिन रैनी आस प्यासी चितवा दिन रैनी आस आपको सारे है कोई संत
है कोई संत, है कोई संत मिलावे नेरा, है कोई संत मिलावे नेरा, संत मिलावे संगतियो। गुरु बाबा जी के पांव चरणों में जुगो जुग अटल सतगुरु छत्र जबर तख्त दे मालक पातशाह उन्होंने पावन चरणों में पवित्र गोद में आपके सुभाव ईमान हो सबना जी आया। अज विशेष प्रोग्राम चल रहा है जिमें कि मान योग गुलाटी जी हम अनाउंस करके गए भाई साहब भाई सरजीत सिंह जी अंगीला साथियों साहब भाई जसबीर सिंह जी अते फतेह सिंह होर साहब प्यार नाल बड़ी बचत विच सानू शब्द कीर्तन सरवण करवा के गए ने। आप सारिया ने आनंद माणन का यतन किया। लड़ीवार विचार करद हो साढ़े सम्मुख ये पावन शब्द है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना 204 सुभायमान है सुशोभित है और दो पदों से आधारित है जिस दिन राहो दियां तुकां आरंभ में जुदा में गौड़ी राग में उचारण किया होया ये पंजवें पातशाह जी का शब्द है उन्होंने उचारण किया होया। और सतगुरु महाराज ने राहो दियां पंक्तियां च सब तो आरंभ में ही वचन किया हर पेखन कौ सिमरत मन मेरा। वेखण तो भाव है वेखण हरी वेखण लई सिमरत तो भाव है याद मेरा मन याद कर गया है। इसनों असं दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं तंग रहा है कद नहीं तंग रहा है हर वेखण को हरी के दीदार करने हरी के दर्शन करने लिए मेरा मन तरस रहा है तांग रहा है सिमर रहा है। आस प्यासी चितवों दिन रहनी इस आस दे विच प्यासी हुई दर्शनों की प्यासी हुई चितवों चितवदी हाँ कदों दिन रहनी दिन रात लगातार सदा कंटिन्यूसली है कोई संत मिलावे नेरा। है कोई संत, कोई संत है जिहड़ा मैनू मिला देवे उसके नेड़े कर देवे आयो भी कहा जा सकता उसकी नेड़ता का एहसास करवा है कोई संत। मैं एक बार फिर बेनती करा हर वेखण को सिमरत मन मेरा। मैनू ऐसा प्रतीत हुंदा संगत जी जुड़े बैठे तुसीं एकाग्रता विच नेत्र मूंद लो एक ध्यान विच आ जाओ साहब ये उहदी जीवन अवस्था साडी है सिखां दी है कि असीं परमेश्वर के वाहिगुरु के करतार के दीदार की भुख रखते हो तांग रखते हो ऐसी है अवस्था साड़ी। मैं किन्नी बार आखा जिन्नी बार आखा उतनी बार ही थोड़ा होगा तुसी जिहड़े चल के आ जाते हो ना संगत में बहुत चंगे लफ्ज़ वरत्या जाता है दरबार के भागों वाले ऐं कह भागों वाले बहुत चंगे हो लेकिन हाँ
आ जाना ते जुड़ के बैठ जाना ते सुनना ते विचारना यथाशक्त सेवा करनी। ये सब कुछ होने के बावजूद इस प्रकार की तड़प है साढ़े अंदर कि असी मिलना चाहते हैं, असी परमेश्वर नाल सांझ पानी चाहते हैं, ये तड़प है। जे तो यह तड़प हो गए जिमें पहला कह रहे सन पंजवें पातशाह कवन गुण प्राण पत मिलाओ मेरी माई। हाँ जी फिर आख्या उन्हें प्रभ दर्शन को प्रीत मन लागी, हाँ प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मुई करो बेनती को संत मेरा बड़ भागी। यो जी तंग हैगी है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, उस पासे नहीं जाने की जरूरत है, पर अपने मन को अपने हिरदे को टटोलन की लोड़ तो है ना। सानू असी आए तो किस वास्ते आए, सुनिया तो किस वास्ते सुनिया, ये तो अंदर झात पाने की जरूरत है ना, फिर पर सानू पानी चाहिए। कई प्रेमी हैं जो रोजाना इस पावन शब्द का पाठ करते हैं, मेरा मन लोच है गुर दर्शन ताई बिरप करे चा त्रिक की न्याय त्रिखा न उतर सांत न आ वाह। बोलो सारे त्रिखा न उतर है, बोलो सारे त्रिखा न उतर है सांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे हों भोली जीओ कोल कुमारी। गुरदर्शन संत प्यारे जियो तेरा मुख सुहावा जियो सहज तन बाणी चिर होवा देखे सार बाणी तन सोदेश जहां तू वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हां कोली जियो कोल कुमाई। गुर सज्जन मीत मुरारे एक कड़ी ना मिलते, हां जी बोलो साहब एक कड़ी ना मिलते करजुग होता हूँ कद मिली है प्रया तुद भगवंता मुहे रहन ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबार। कितनी बार असि पढ़ते हाँ कितनी बार सुनते हाँ, कभी अपने जीवन नू नाल मैच भी करते हैं, अस कंपेयर भी करते हैं, असी मूह कह रही है कह रहे हो एक कड़ी ना मिलते कड़ते होता हूं कद मिली है प्रै तुद भगवंता मुझे रहन ना बिहावे नींद ना आवे दिन देखे गुरदरबारे जी। की अजी अवस्था साड़ी है कि असी एक विथ ते खड़ो के ही सदा रहिंदे हां सदा चलते। सतगुरु महाराज ने साडियां ये विथा दूर करने वाले विथा दूर करने वाले यही कारण है। माणयोग भाई साहब होरी सरवण करवा रहे सन जिथे बाबा पैर दे पूजा आसू थापन सोआ ते मैनू भाई साहब नंद लाल जी होरां दा वचन याद आ रहा सी, कहिंदे ने हकश दाद अजगाए ते माकरमत अजोजे वाशै हर मलकत। भाई साहब नंद लाल जी गोया होर आखिया भी सदियां बीत गई पर जे अज भी कोई मैंने पूछे ना ज्ञानी जी थानू हिक्सविल चंगा क्यों लगता है, थानू न्यूयॉर्क चंगा क्यों लगता है, थानू इंग्लैंड चंगा क्यों लगता है, थानू फलाना स्थान चंगा क्यों लगता है, तुसी दसो क्यों चंगा लगता है। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ते गुरु के सिख जिथे बसते ने उथे गुरद्वारा है उथे साड़ी धर्मशाला है उथे गुरु नानक ने साफ सच्चे पातशाह उन्होंने गुण गाए जाते बस यही बात है। अकश दाद वाहिगुरु जी ने
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਅਰਥ ਨੇ। ਅਜ਼ਗਾਇਤ ਮਕਰਮਤ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ੋ ਜ਼ੇਬ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਮੁਲਕਤ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਿਕਸਵਿਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਾਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਵਚਨ ਹੈ ਭਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਵਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁੱਖ ਲਾਵਾ। ਭਾਵ ਲੱਭੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਚਨ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾ ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਨੀ ਪਿਆਵੈ ਚਾਹੋ ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਵਾਹਿ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ, ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਲਮ ਲਾਲ ਜੜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲ ਡਾਇਮੰਡ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ। ਮੋਹਣੀ ਮੁਖਮਣੀ ਸੋ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਦਾਸੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਇਨਾ ਉਪਾਰਨ ਬੋਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ, ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉਂ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਹ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉਂ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦਲੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀ ਅਸ ਤੇ ਸਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦਲੇ, ਸੰਦਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ, ਸੁਹਾਵਣੀ ਥਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਥਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਸ 'ਚ। ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਦੀਓ, ਆਉਂ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀ ਅਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ।
तोड़ी फिर दियाँ पर तिस कंत ना बैठी पास ते ए गल चेते रखन वाली है ओ नाल ना होवे ना ते सोहने सोहने महल ते मंदिर सब कुछ डराने हो जाते पिछले महीने असं याद कर रहे सां कर्म कमावने दोसना काहूं जो परमेश्वर ते भुलिया नाल ना बोलिया करो सारे आख्या करो तुसीं बाणी पढ़न सुन वाले व्यापन सभे रोग वेमुख होए राम ते लगन जन्म भी जो खिर मैं कौड़े होए गए खिन मैं कौड़े होए गए इतों असा विचार शुरू किया कि असी चाहते हाँ भी यह सारा कुछ कौड़ा हो जाए साडा आला दुआला असी चाहते हाँ मैं कहांगा हुण जे शब्द मैनू नहीं वरतना चाहिए क्योंकि कोई भी नहीं चाहता भी सब कुछ कौड़ा हो जाए मेरा आला दुआला असी तो सुहावना चाहते हाँ प्यार वाला चाहते हाँ प्यार नहीं चाहते हाँ कौड़ा कौन चाहता है तो पातशाह महाराज गुरु अर्जुन साहब कहते हैं फिर नहीं चाहते ना फिर अयो आख्या करो हर वेखण को सिमरत मन मेरा हरी वेखण वास्ते मेरा मन सिमरता है हर वेले याद करता रहता है हुण हरी जी वाहिगुरु जी ननकार जिसनों असीं आखते हाँ करतार वो किसी शरीर में नहीं है कोई शरीर नहीं है सानू हमेशा रूप ना रेख ना रंग पिछत्रे गुण ते प्रभु भिन्न हाँ जी बीबियां पढ़दी होंदियां ने सुखमनी साहब का पाठ भाई भी करते हैं पर बीबियां बहुत प्यार नाल हमेशा करदियां ने जुड़ के बैठ के रूप ना रेख ना रंग पिछत्रे गुण ते प्रभु सानू चेते रखना चाहिए उहदा शरीर तो है कोई नहीं फिर असी किवें मिल सकीए दसो साडा मिलाप एक दूजे का मिलाप शरीर का मिलाप ही है असी शरीर से खड़ोते हुए हाँ हुण मिलना वाहिगुरु जी नूं है ते वाहिगुरु जी का शरीर कोई नहीं फिर किवें मिलिया जावे वाहिगुरु जी नूं मिलिया जांदा सुरती करके वो शब्द रूप ने सुरती करके कदी असी तांदे हाँ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਰਹਾਂ ਮਾਣਦਾ ਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵਾਂ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਪਿਆਸੀ ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਵੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੰਤ ਐਸਾ ਸੁਨਿਚਨਾ ਸੰਤ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਹੋ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੇ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁਤੇਰੇ ਬਿਠੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸਵੀ ਮੁਖੋ ਏ ਪੰਡਿਤ ਬਿਠੇ ਬਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ ਕਹਤੇ ਕਹਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਨਾ ਲੱਭੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਸੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਊਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਸ
गुरु संत। पर जो गुरु आखते हैं तो फिर दस गुरु ही ने, गुरु आखते हैं तो श्री गुरु ग्रंथ से पंथ ही गुरु है, फिर होर कोई नहीं है। इन बिटवीन सिख अते दस गुरु पातशाह या श्री गुरु ग्रंथ साहब अते पंथ दे, इन बिटवीन होर कोई गुरु नहीं है। जितने संत ने सारे दे सारे सिख ने, उन्हां दी कोई विशेष पदवी नहीं होंगी, हमेशा ध्यान रखना। पर जे इवें ना हो, मिलाप का साधन ना बनता हो, असी अरदास करते हैं आखांगे प्यार नाल सही प्यारे मेल जिन्ना मिले गुरु सारे जिन्ना मिले तेरा नाम चिता आवे, इहदा मतलब मिलना है ना। फिर संत बिरती वाले सिख जिस वेले मिलते ने ना, तो उस वेले मूँह तो सुभावक ही वाहिगुरू निकलता है, सोती साड़ी वाहिगुरू की कोर चली जाती है। पातशाह जी ने आख्या, सेवा करो दास दसन की अनक भांत तिस करो निहोरा। मैनू कित ऐसा सुभाव बन जाए तो प्रभु जी का प्यार करने वाले, सेवा करने वाले दास सेवक मैं उन्होंने दर्शन करा, उन्होंने सेवा करा। तुला धार तुले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। मैं ऐसा महसूस करता हाँ करती हाँ कि मैं तकड़ी रख के ना सारा कुछ तोलिया, सारे संसार के सुख सोइना ते मंदर मानक ते परिवार ते कार विहार ते सारा कुछ एक पासे पाया, दूजे पासे वाहिगुरु जी का मिलाप पाया। बिन हर दर्श सब होई थोरा, कभी इवें महसूस कर सकांगे? कभी आखिया बाबा फरीद जी होर प्यार नाल शक्करखंड निवात गुर माखियो माझा दुख सभे वस्तु मिठियां, बोलिया करो बोलो आखो करो रसना पवित्र, सभे वस्तु मिठियां रब न पुजन तुत, बिन हर दर्श सब होई थोरा। संत प्रसाद गाए गुण सागर, संत प्रसाद गुरु कृपा दे सदका, इत्थे हुण असी शब्द गुरु शब्द जरूर वरतांगे। गुरु कृपा दे सदका जिन्हां ने उसके गुण गाए, परमेश्वर के गुण गाए, की हुंदा है? जन्म जन्म को जात बहोरा, उन्हां जन्मां जन्मांतरां का आना जाना रुक जाता है, भाव जम्मण मरण तो बच जाते हैं। आनंद सोख भेट तो हारे, नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा। मिलद आनंद सोख भेट तो हारे, हरी न भेटद हो हरी मिलद हो आखिए फिर मुड़ के ना तो हरी दे अगे पाउंड डालर पहुँचते ने, ना वस्तुआ पहुँचदिया ने, ना रस्ता पहुँचदिया ने, ना साडा शरीर पहुंचता है। भेटीए किमें असी, मिलीए किमें असी, मिलीए असी सोती करके, ते ज्यों ही असी मिलते हैं ना आनंद सुख, उत्थे आनंद पैदा होता है, सुख आता है। जन्म कृतार्थ सफल सवेरा, जन्म सफल हो जाता है, जिंदगी किसी होर मौज में उठ खड़ोती, चढ़ती कला में उठ जाती है। बीबियां ने, तुसां ने, सत्संगियां ने, भैणा पाईआं सारिआं ने, कितने सधारण पाठ किए होंगे, हम असी अजक सहज पाठ कह लग पे, इको ही बात है, पर मर्यादा में सधारण ही शब्द लिखे अब तक। कितने किए होंगे, क्यों किया? एक कर लिया बहुत नहीं है। असी चाहते हाँ साड़ी सोती शब्द नाल जुड़ी रहे, जुड़ी रहे। हम सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब जी का पुर मनाते हैं, तो मैं गल मेरे ध्यान में मैं कह दिया फटाफट से आप समाप्ति कर दीए। वैद बुलाया वैद की, हाँ जी ढिला मठा होया पे नानक, माँ ने बाप ने वैद में सद लिया, वैद आ गया, वो पकड़ टंडोले बाँह, वो बाँह पकड़ के बीनी पकड़ के ते नबज देखता है टटोलता है, तो सतगुरां ने आख्या कहिंदे ने इहनूं की पता लगे, भोला वैद ना जाणी इहनूं कुछ पता नहीं, करक करे जे माहे, करक करे जे माहे।
करत करे जे करजे करक करजे माफे करक करजे माफे करक करजे सिमरत मन मेरा सिमरत मन मेरा सिमरत मन हर पेखन कहो ऐ गल बरसल बलीने मान बरखेजो नदा तबीब दर्द मंदा दर्दरा दारू बजस दीदार नेस्त उसने दीदार तो बिना उस नाल जुड़ बैठन तो बिना कोई दारू नहीं तबीबा उठ जा मेरे सराहने अजे ही बिरती महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की अपनी ते मैनू ऐ जापदा है अजे बचन दर्द करके ना उन्हें आखिया सिखो तुहाडी भी हैगी है जी ते मैं चेते करदा करवाउंदा प्रकाश पुर मना रहे हैं मेरी बिरती भी यो जी हो जाए थोड़ी भी हो जाए तुम मेरे लिए अरदास करो मैं थोड़े लिए करा अं सारे लिए अरदास करिए साड़ी बिरती ऐसी हो जाए जीवन सफल हो जाए भुलों की खीमा बख्शनी अगला प्रोग्राम मान योगी प्राप्त करिए जुड़ बैठ का धनबाद नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सरबत का भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।